डियर स्टूडेंट, आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, तो ये आज हम पढ़ते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल ऑनलाइन अतीस लेक्चर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स and classification, their aromatic hydrocarbon क्या होते हैं, इनको हम कैसे define करेंगे और फिर इनकी classification है कि aromatic hydrocarbon को कितनी classes में divide करते हैं, कौन कौन सी हैं, example क्या हैं। तो first में हम इसको define करते हैं कि aromatic hydrocarbons क्या होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है, और या वो कंपाउंड्स जो स्ट्रक्चरली बेंजीन से मिलते जुलते हों। इसको हम यूं लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दोस हाइड्रोकार्बन्स दोस कंपाउंड्स those hydrocarbons which include benzene, and all those compounds that are structurally resemble to benzene, यानी वो हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन और वो तमाम कंपाउंड्स जो स्ट्रक्चरली बेंजीन से मिलते जुलते हैं, बेंजीन से मुशाबत रखते हैं साफ के लिहाज से, वो तमाम कंपाउंड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन किस बेस पर करते हैं? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की तादाद की बुनियाद पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये दो तरह के हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दो तरह के हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो दो तरह के कौन से हैं? एक है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और दूसरे हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? मोनो का मतलब होता है एक, साइकिल मीन रिंग, एक रिंग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक बेंजीन रिंग होता है, मोनोसाइक्लिक एक रिंग, इनमें कौन सा होता है? वन बेंजीन रिंग। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन वन बेंजीन रिंग
इन देयर मॉलिक्यूल, इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल बेंजीन है और इस तरह बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, बेंजीन, ये देखिए बेंजीन, ये यूं आप कर सकते हैं बेंजीन। इसी तरह ये देखिए ये मिथाइल बेंजीन या इसे टॉल्वीन भी कहते हैं, टॉल्वीन। इसी तरह मिथाइल की जगह OH लगा दें, फिनोल बन जाएगा, NH2 लगा दें। इस तरह देखिए OH, तो ये इसकी एग्जांपल है, ये बेंजीन है और ये मिथाइल बेंजीन या इसे टॉल्वीन भी कहते हैं, ये जो है हाइड्रोक्सीबेंजीन इसे फिनोल कहते हैं। तो ये मानो साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कैसे हैं, क्योंकि इनमें एक बेंजीन रिंग होता है। अब हम आते हैं पॉलीसाइक्लिक, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन, और साइकिल मीन रिंग, साइकिल मीन साइक्लिक रिंग, यहां पूरा बेंजीन रिंग। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, यानी दोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, दो हो, तीन हो, ज्यादा हो, एक से ज्यादा, उन्हें कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोर देन वन बेंजीन रिंग, मोर देन वन बेंजीन रिंग रखते हो उसे कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इनको मजीद दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। अब वो दो क्लासेस कौन सी हैं इसकी, एक है आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हैं कंडेंस्ड, कंडेंस्ड या फिर फ्यूज्ड, फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक है आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है कंडेंस्ड या फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इनके लिए एग्जांपल है वो इसी की एग्जांपल है। अब हम आते हैं इसकी आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फ्यूज्ड या कंडेंस्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें क्या फर्क है। ये देखिए ये आइसोलेटेड, आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे निकाल देते हैं, पॉलीसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और कंडेंस्ड या फिर फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट, अलग-अलग। तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग अलग हो, सेपरेट हो, दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन आइसोलेटेड बेंजीन रिंग, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग, कंटेन आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये देखिए
इसमें बेंजीन रिंग जो है अलग है, अलग अलग है, और इसे कहते हैं बायफिनाइल, बायफिनाइल। अब इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो ये है, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल जो है ये इसकी, बल्कि यूं कर देते हैं, दूसरी एग्जांपल ये तो ये देखिए दोनों जो हैं ये जो हैं बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग हैं। अब बेंजीन रिंग की आर्थो पोजीशन पर देखिए बीच में CH2 लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग सेपरेट है, आइसोलेटेड अलग अलग है। तो इस तरह जो है ये आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, कंडेंस या फ्यूज्ड। ये कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं? ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो, मिले हुए हो, पेयर्ड हो, ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन रिंग आपस में मिले हुए हो, तो उन्हें कहते हैं फ्यूज्ड। अब इसकी मिसाल क्या है? यहां जो है बेंजीन रिंग क्या हो? फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। दोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, इसमें जो बेंजीन रिंग होते हैं आर कनेक्टेड एट ऑर्थो पोजीशन। अब इसकी मिसाल जो है नेफ्थलीन, ये है डाइफिनाइल मीथीन। इसी तरह जो है इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल क्या आ सकती हैं? जैसे देखिए ये नेफ्थलीन, अगर हम यू लिखें इस तरह तीन बॉन्ड, सिंगल डबल इस तरह सिंगल, ये डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इस तरह जो है ये है नेफ्थलीन। ये क्या है? नेफ्थलीन। अब इसमें देखें दोनों बेंजीन रिंग ये ऑर्थो पोजीशन पर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, इस लिहाज से ये एरोमेटिक फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी दूसरी मिसाल, इसकी और मिसाल ये है तीनों रिंग इस तरह मिक्स मिला दें आप, ये एंथ्रासीन। इसमें देखें तीनों बेंजीन रिंग, तीन बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, मिले हुए हैं, इन्हें कहते हैं एंथ्रासीन। क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। इसे कहते हैं नेफ्थलीन। तो अब ये देखें ये है फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, मिले हुए हैं इस तरह, ये भी, और चूंकि इनमें बेंजीन रिंग अलग हैं, सेपरेट हैं, इस लिहाज से ये आइसोलेटेड बेंजीन रिंग हैं। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पर खत्म होता है।